पीरसद गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल जी हैं। सांसद रोजगार मेला का आप लोगों ने आयोजन किया है, क्या विशेष है इस बार इस मेले में? नहीं देखिए, हमारे विपक्षी साथी जो दिशाहीन हैं, हमेशा से ये आरोप लगाते हैं कि देश में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा। मेरा कहना है देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है, केवल गैप है इंडस्ट्री में और युवाओं में। मेरे द्वारा आज इस कैंपस में लगभग 200 इंडस्ट्रीज़ को बुलाया गया है, लगभग 4000 प्लस हमारे युवा हैं और इंटरव्यू चल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आप खुद आए हैं, आपने देखा होगा कितनी भीड़ है, कितना उत्साह है। और मुझे लगता है कम से कम आज हम 2000 से ज़्यादा अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिला देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पुनीत कार्य शुरू हुआ है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सरकारी माध्यम से लोगों को रोजगार दिला रहे हैं। आज देश में प्राइवेट बहुत बड़ा सेक्टर है, प्राइवेट में हम लोगों ने ये कोशिश शुरू की है, सुखद परिणाम है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान पीयूष गोयल जी हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे श्रीमान केशव मौर्य माननीय उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आ रहे हैं, पीयूष गोयल आ रहे हैं, तो जाहिर है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह होगा। निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं किस प्रकार मेला लग रहा है, जो नाम रखा गया है सांसद रोजगार मेला, वो पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। वास्तव में मेले जैसी फीलिंग है और लोगों में, बच्चों में बहुत उत्साह है, युवाओं में उत्साह है। और अब तक मुझे लगता है 100 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे युवा कमरों में हैं जो इम्तहान दे रहे हैं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, कुछ के इंटरव्यू चल रहे हैं। लगभग 70 कमरों में इस समय ये प्रक्रिया चल रही है। आपने कहा काफ़ी सारे एम्प्लॉयर को आपने यहाँ पर इनवाइट किया है, वो लोगों को बच्चों से बात कर रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ये एम्प्लॉयर हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? नहीं देखिए, पेटीएम है, HDFC बैंक है, रेडिसन ब्लू है, फार्मा इंडस्ट्री की कई कंपनियाँ हैं, कई सिक्योरिटी एजेंसी हैं, कई मीडिया चैनल्स भी हैं जो अपने लिए चाहते हैं। हर फील्ड में हमने 10वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट हर क्षेत्र के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, युवाओं के लिए खास करके रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा रहता है। और अब जो है आपका जो आपने जिस तरह से इस रोजगार मेले का आयोजन किया, जाहिर है कि बहुत ज़्यादा गाजियाबाद के लोगों में खास करके उत्साह होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप जो युवा जिनको नहीं पता है इसके बारे में, आप उन्हें भी बताएं। नहीं, इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे हमने प्रचार प्रसार किया है, अखबार में विज्ञापन दिया है, TV के माध्यम से विज्ञापन दिया है। तो मुझे लगता है अच्छी संख्या में, अगर इतना प्रचार प्रसार नहीं होता तो 4-5 हज़ार लोग नहीं इकट्ठे हो पाते। इसके अलावा युवाओं के लिए और क्या विशेष है इस रोजगार मेले में? नहीं देखिए, हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी दिलवा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लोगों बुलाए हैं। मान लीजिए किसी का नहीं हो पा रहा है तो उनको स्किलिंग के माध्यम से और उनको सिखाएंगे, दोबारा मेला लगाएंगे, दोबारा उनको रोजगार दिलाएंगे। जब बात होती है युवाओं की तो लड़कियां जो होती है वो हालांकि पढ़ाई में बहुत आगे रहती हैं, उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स आप देना चाहेंगे सांसद आप यहाँ? मुझे लगता है आज जितने सिलेक्शन हो रहे हैं लगभग 50% लड़कियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल को, सर दिल्ली से कैमरामैन तारा दत्त के साथ श्वेता गुप्ता।